जी हाँ, आपको बता दें, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर के साथ ही इंदौर मध्य प्रदेश पंचवटी कॉलोनी के गार्डन में आज 5 अगस्त के दिन शुभ मुहूर्त में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर का भूमि पूजन किया गया और पंचवटी कॉलोनी में बड़े उद्यान में हनुमान मंदिर निर्माण किया जाएगा। आइए जानते हैं श्री रमेश शर्मा जी ने क्या कहा। की हिस्ट्री में बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक दिन है, जब सैकड़ों वर्षों की जो हिंदुस्तान के लोगों की तमन्ना थी कि अयोध्या में राम मंदिर का बने, उसका भूमि पूजन हो और एक भव्य इमारत श्री राम जी की वहां पर बनकर तैयार हो, वो हिंदुस्तान की जनता का सपना आज पूरा होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा ये संपन्न होने जा रहा है। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पंचवटी में भी हनुमान जी की मूर्ति के लिए यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, जिसमें श्री जगदीश जी अग्रवाल ने पहलकदमी की है और यहाँ के सारे रहवासी जो हैं उन सबका उसमें योगदान है, वो भी सब बधाई के पात्र हैं कि आज के ही दिन जब श्री राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है और उसी समय पे उनके जो भक्त हैं, परम भक्त, उनके सेवक श्री हनुमान जी के भी यहाँ पे मंदिर की स्थापना के लिए शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है। यह आज के दिन सबको बधाई देता हूँ, पंचवटी के रहवासियों को बधाई देता हूँ और उनके प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस पावन पर्व पर श्रीमती सुषमा पटेल, महिला मोर्चा नेपानिया मंडल अध्यक्ष, पंचवटी में सभी रहवासियों के सामने उपस्थित रहीं और हनुमान जी मंदिर का भूमि पूजन कराया। आइए जानते हैं सुषमा पटेल ने क्या कहा। आज का दिन वाकई सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐतिहासिक पल है जो बहुत सदियों में मिला है और महिला सशक्तिकरण की बात मैं क्या कहूँ, मेरे साथ पूरी महिला शक्ति है जो जिनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। आज हमारे भूमि पूजन पंचवटी कॉलोनी जो भूमि पूजन हुआ है उसकी भी मैं सभी रहवासियों को बधाई देती हूं और आप सभी को, सभी देशवासियों को अयोध्या जन्मभूमि राम मंदिर बनने के लिए वो सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। और हमारे मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी पहल करके आज हमको ये दिन दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भीम टीवी, इंदौर मध्य प्रदेश।